मध्य प्रदेश में उपचुनाव के परिणामों में मिली जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी बेहद सुकून वाली स्थिति में है, लेकिन यही सुकून की स्थिति में मध्य प्रदेश में राज्यसभा के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया एक अपनी नई और बड़ी लाइन खींचने की कोशिश में जुटे हैं। दरअसल उपचुनाव में जब से भाजपा को जीत मिली है, तब से ज्योतिरादित्य सिंधिया अब भारतीय जनता पार्टी के भीतर अपनी स्वीकार्यता और मेलजोल बढ़ावे की तैयारी में हैं, और यही के तहत भी लगातार भाजपा के छोटे से लेकर बड़े नेताओं के बीच उठ बैठ रहे और कोशिश कर रहे कि भारतीय जनता पार्टी में अब वे भी सर्वमान्य नेता के तौर पर स्थापित हो चलें। ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल आए और कछु घंटा के भीतर ही उनने कई सारे भाजपा के नेताओं से मुलाकात करी। सिंधिया भारतीय जनता पार्टी की भोपाल में गोविंदपुरा से विधायक कृष्णा गौर के निवास पर पहुंचे। सिंधिया भाजपा के जिलाध्यक्ष सुमित पचौरी के घर पहुंचे। ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के नेता गिरीश शर्मा के घर पहुंचे और हर तरफ हर क्षेत्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया पैठ बनावे की कोशिश में हैं कि जी से अब उन्हें सिंधिया गुट के तौर पर नहीं बल्कि भाजपा के पूरे नेता के तौर पर मान्यता मिल जाए पार्टी में। इनके पहले वाले दौरे में भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के घर घर जाके ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुलाकात करी थी नेताओं से, और कोशिश यही है कि भाजपा में उनको वर्चस्व एक अलग धड़े के रूप में नहीं बल्कि भाजपा के प्रदेश में स्थापित नेता के तौर पर हो गए। फिलहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया उपचुनाव में जीत के बाद उत्साहित भी हैं और एक नई रणनीति पे काम भी कर रहे। अब जब रणनीति भारतीय जनता पार्टी के बाकी नेताओं को पसंद आओ या फिर उनको खटकत है, जो तो वे जाने। बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं, तभी पूरी खबरें आपके पास आ पाएं।